गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कागभूषण जी ने गरुड़ जी से कहा कि गरुड़ जी, एक बार मुझे मानुष जीवन प्राप्त था और मेरी 20 वर्ष की आयु थी। उसमें एक भयंकर अकाल गिर गया, दुर्भिक्ष, जिसमें मेरा पूरा परिवार, माता पिता, दो भाई बहन और थे, वो सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। मैं 20 वर्ष की आयु था, माता पिता वृद्ध थे, भाई बहन छोटी आयु के थे, वो उस भूख को सहन नहीं कर सके। उनकी मृत्यु के उपरांत आसपास के क्षेत्र में भी बुरा हाल था, लाखों लोग मर गए थे। उस क्षेत्र को छोड़कर मैं अवंतिका नगरी में चला गया। वहाँ दुर्भिक्ष नहीं था, पेट भर रोटी खाई, भोजन पाया, लेकिन मेरी आत्मा में एक ऐसी प्रेरणा हुई, दुख हुआ कि ये क्या जीवन है, मेरे पिताजी का भरा पूरा परिवार उजड़ गया, ये क्या जीवन है, ये कैसा ज्ञान लोक है। तो फिर बताता है कि उस जन्म से पहले मैंने असंख्यों जन्म प्राप्त हुए। अब दिव्य दृष्टि खुल जाने के बाद वो अपने पिछली हिस्ट्री याद आई उसको, जब वो भक्ति पर लगा उसके बाद गरुड़ जी को बता रहा है कि उससे पहले मैंने असंख्यों मानुष जीवन नाश कर दिए थे और मैंने भक्ति कभी करी ही नहीं। अब वो अकाल गिरा, मेरे माता पिता मर गए, भाई मर गए, कुटुंब नाश हुआ। अवंतिका नगरी में एक पंडित जी शिव मंदिर में कथा कर रहा था और कथा के बाद वो भोजन करते थे, मैं भोजन खाने के उद्देश्य से उन श्रोताओं में बैठ गया। मैंने कोई सत्संग से कोई लेना देना नहीं था, सभी उठकर चले गए, मैं बैठा रहा। पंडित जी ने पूछा, बेटा क्या बात है? मैंने अपना सारा दुख बताया। उसने मुझे एज ए अपना सन बेटे की तरह प्यार किया, पंडित जी ने, पुजारी ने, और कहा, बेटा ये संसार तो दुख का घर है, आप यहाँ रहो, यहाँ भोजन पाओ, और बेटा यहाँ मंदिर में सेवा करो, सत्संग सुनो, दीक्षा ले लो। मैंने उसकी सारी बात मान ली, वहाँ सेवा भी करने लग गया, लेकिन दीक्षा वाली बात मेरे समझ में नहीं आई। 6 महीने तक वो कथा सुनाते रहे, मनुष्य जीवन के उद्देश्य को बताते रहे, मेरा कति घर नहीं करी, जू नहीं रहेंगी, मेरे इतने पाप बढ़े हुए थे क्योंकि मेरे अंदर भक्ति कभी बीज पड़ा नहीं था। 6 महीने के बाद मैंने कथा तो सीख ली जो गुरु बताया करते थे। मैं युवा था, गुरु जी वृद्ध हो गए थे, मैं श्रोताओं को गुरु जी की अब्सेंस में, अनुपस्थिति में वो कथाएं सुनाने लग गया। सुरीली आवाज़ थी, युवा शरीर था, श्रोता मुझे मेरी बड़ी प्रशंसा करने लगे कि क्या बात भाई, आप तो बड़ा गुरु जी से भी बढ़िया सत्संग सुनाते हो, वाह भाई वाह, आपकी तो बड़ी प्यारी आवाज़ है। इस जीव को बहुत प्रकार से ये हानि होती है, वो फाउल पॉइंट भी आपके रूबरू किए जाते हैं ताकि आप फिर से गलती ना कर जाओ, इसलिए ये कथाएं सुनाई जाती हैं। अब उन श्रोताओं की प्रशंसा से मेरे अंदर हवा भर गई, मैं अभिमानी हो गया, अहंकार भर गया। एक दिन गुरुजी आए मंदिर में, पूजा के उद्देश्य से बाहर से आए और मैं श्रोताओं के बीच में बैठा था, प्रशंसा सुन रहा था। मैंने गुरुजी को बैठे बैठे ही दर्शन कर लिए, प्रणाम भी नहीं करा, बस यूं देख लिया, जबकि गुरुजी को खड़ा होके मैं खड़ा नहीं हुआ। मान बड़ाई का मारा कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी जब मैं खड़ा हो गया था, क्योंकि प्रशंसक सामने बैठे थे। अब गुरुजी को कोई ध्यान नहीं था, उसको तो कोई मतलब लेना देना ही नहीं होता, नियम बता दिए, जो पालन करेगा सफल होगा, जो तोड़ेगा खंडित करेगा वो दंडित होगा। गुरुजी जाकर मंदिर में अपनी पूजा अर्चना करने लग गए, आकाशवाणी हुई उस मंदिर में
और भगवान शिव के पुजारी थे वो पंडित जी। आकाशवाणी हुई, भगवान शिव ने कहा कि अरे धुरत, तेरे को 100,000 वर्ष के लिए नरक में डालूंगा। ये और ये आकाशवाणी सुन ली गुरुजी ने, अपने आत्मा परमात्मा कबीर साहब कहते हैं बहुत है प्यारा बालक माँ का, गुरु पिता को अपना बेटा या बेटी बहुत प्यारी होती है, लेकिन माँ को पिता से भी कई गुना और प्रेम बच्चों में होता है, स्वाभाविक है। और कहते हैं गुरु जी को उससे भी 100 गुना होता, माँ से भी ज़्यादा 100 गुना प्यारे होते अपने शिष्य, उनके भविष्य के बारे में वो इतना चिंतित रहता है। कहते हैं बहुत प्यारा बालक माँ का, उनसे बढ़कर शिष्य गुरुओं का। तो यहाँ गुरु जी ने जब सुना कि काग भूषण को, उसका नाम कुछ अन्य था, कि भगवान शिव कैसे नाराज हो गए इस बालक पर, क्या गलती की, वो एकदम छोड़कर पूजा को आया कि बेटा क्या गलती की तूने, अक्षमा याचना कर। रे बालक दर शिव का ध्याना, ताते बक्से तेरे प्राण। तो गुरु जी ने प्रार्थना की, हे भगवान शंकर, हे महाराज, क्या गलती हो गई आपके बच्चे से, माफ़ करो बालक है, माफ़ करो बालक है। तब आकाशवाणी हुई कि इस धूर्त ने मेरे भक्त की इंसल्ट की है, जब ये गुरु के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है तो मेरे साथ कैसा करेगा। पुण्यात्मा परमेश्वर कबीर जी भी कहते हैं कि गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी, नहीं तो पल पल ध्यान लगावे। गुरु मानुष कर जानते ते नरक ये अंध, हुआ दुखी संसार में फिर आ गए यम के फंद। तो शंकर भगवान ने कहा कि इस धुरत ने, जब ये गुरु की बेइज्जती कर सकता है तो मेरे लोक में आकर ना जाने क्यों धमसता रहेगा, ऐसे धुरत की मुझे आवश्यकता नहीं है, इसको नरक में ठोकूंगा 1,00,000 वर्ष के लिए। अब गुरु जी ने फिर कई कई घंटों तक प्रार्थना की, आपका बालक है, बच्चा है, क्षमा करो दाता, कुछ हल्की सजा करो इसकी। तब उसने कहा कि भाई देखो मेरा वचन खाली नहीं जागा, जो बोल दिया ये वापस मैं ले नहीं सकता, इसको नरक में तो रहना पड़ेगा, लेकिन वहाँ यमदूतों से इसको कष्ट नहीं होने दूंगा। अब कागभूषण कहता है फिर मेरी कुछ समय के बाद मृत्यु होगी, मुझे 1,00,000 वर्ष तक नरक में रहना पड़ा, लेकिन वहाँ यमदूतों ने भगवान शंकर की आज्ञा से मुझे कष्ट नहीं दिया, लेकिन रहना पड़ा नरक में। अब उदाहरण के लिए दास आपको सुनाता है कि जैसे कोई वर्तमान सरकार का मंत्री है और मंत्री का कोई मित्र है, उसकी किसी कारण से जेल हो जाती है, तो वो मंत्री उसको जेल से नहीं छुड़वा सकता, वहाँ के कर्मचारी अधिकारियों को, जेल सुपरिटेंडेंट को कह देगा कि इसको कुछ नहीं कहना है, तो रहेगा जेल में, लेकिन वहाँ वो उसको सजा कुछ नहीं, उसको दिक्कत कुछ नहीं करेंगे। तो वह सजा तो होए गई, वह दिक्कत हो या ना हो, कहने का भाव ये। तो फिर ये कागभूषण क्या बताता है कि उसके बाद मैं 1,00,000 वर्ष यम उस नरक न भोग के, फिर मेरा जन्म हुआ, तो एक लोम उसमें मेरा भक्ति बीज गिर गया, वो उस जन्म में, उससे पहले मेरा भक्ति बीज पड़ा नहीं था। उसके बाद फिर देखो, कहते मेरा जन्म हुआ, भक्ति की प्रेरणा बनी रही, इधर उधर भटकता रहा, संतों के पास गया, और जैसे कुछ संतों से ऐसा वैसा ज्ञान सुना कि भगवान तो निराकार है, निर्गुण है, उसी की भक्ति करनी चाहिए, सरगुण की भक्ति से कोई लाभ नहीं है, ये मेरे आत्मा में अन्य संतों से ज्ञान ग्रहण करके घर कर गई थी यह बात। एक दिन लोमस ऋषि कथा कर रहे थे, वहाँ जाकर मैं कथा सुनूँ था, और लोमस ऋषि जी सरगुण के ऊपर कथा कर रहे थे, सरगुण भगवान के ऊपर। तो मैंने कहा कि ऋषि जी सरगुण तो सब नाश हो जाए, मैं तो हूँ निर्गुण का अधिकारी, मुझे तो निर्गुण कथा सुना भगवान की। लोमस ऋषि ने बहुत से प्रमाण दिए कि बेटा सरगुण बिना निर्गुण क्या गावे, अगर भगवान को आपने सरगुण में नहीं देखा तो निर्गुण का के लाभ उसका। अब
जैसे वृक्ष बीज के माही है, जैसे वृक्ष बीज के अंदर वृक्ष होता है, जैसे वृक्ष बीज सब ठोरा जब उग गए तब दिखे मोरा। एक आम का गुठली है और वह गुठली के अंदर वो आम निर्गुण रूप में है, निराकार समझो, जैसे तुम निराकार निराकार कहते हो, तो उस निराकार का केक रहेगा आम का। तो ये पता बता देंगे इस गुठली में आम है, पेड़ है, पूरा पूरा वृक्ष है इसके अंदर, तो इसके बताने से तुझे क्या लाभ हुआ। अब उस बीज को बीजा जावे गुठली को, फिर वो पौधा बने, फिर वो पेड़ बने और फिर वो आम लगे, तो सरगुण बिना निर्गुण के गावे। तो भगवान का लाभ जो है सरगुण से ही होगा, निर्गुण के गीत गान तो नहीं होगा। अब कहने लगे मेरे ये उदाहरण बहुत से उन्होंने दिए पर मेरी बुद्धि में ग्रहण नहीं हुए, मैं उनके साथ ऊट पटांग अभद्र तरीके से प्रश्नोत्तरी करता रहा, यानी मजाक तौर पे। लोमस ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया कि तेरा चंडाल के घर जन्म होना चाहिए, तेरे जैसे दुष्ट करे चंडाल जा चंडाल बन। अब मुझे इतना एहसास हुआ कि मेरे से गलती हुई, मैंने क्रोध नहीं माना और मैं जो भी उन्होंने मुझे फटकारा डांटा मैं ऐसे मायूस होकर देखता रहा। फिर मैंने हाथ जोड़कर चरण पकड़ के प्रार्थना की, हे ऋषि जी इस दास को जन्म तो कहीं दे देना पर एक आशीर्वाद दे दो, मुझसे गलती तो बन ही गई कि मेरे इस भक्ति की भूल ना पड़े। तब उस ऋषि ने वो आशीर्वाद दे दिया, ठीक है बेटा जन्म तो तेरा चंडाल काग के घर होगा लेकिन भक्ति बनी याद बनी रहेगी भगवान की। तो फिर उसने बताया कि एक काग चंड नाम का काग था देवता, और ब्रह्मा जी की पत्नी अपनी हंसनी को लेकर जो ऋतु पर आई थी उसको गर्भवती कराना था, काग चंड के यहाँ लेगी, उनके संयोग से फिर मेरा जन्म हुआ। ऊपर से मुंह तो मेरा काग का है और नीचे का सारा शरीर देवताओं जैसा मनुष्य का है उसका। तो कहने का भाव दास का ये है। फिर क्या बताया उसने कि फिर जो मुझे आज जो वस्तु मिली, जो भक्ति मिली, एक जोगजीत नाम के संत मिले, ये परमात्मा थे, कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठू पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। कहते फिर जोगजीत नाम के एक संत मिले, वही परमात्मा स्वयं संत रूप में कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, तो उन्होंने मुझे वो ज्ञान सुनाया गुरुड़ जी मैंने कभी सुना नहीं था। लेकिन प्रारंभ में जब मैंने ज्ञान सुना मेरे मन में बड़ा जो है दुख हो रहा था कि ये विष्णु जी और ब्रह्मा जी और शिव जी से ऊपर कोई शक्ति बता रहा है, लेकिन मुझे वो डर था कि संत के साथ बेअदबी नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं पहले भगत भोगी था। लोमस ऋषि के साथ मैंने उठपटांग प्रश्नोत्तरी करके मैं बड़ा दुख पाया था, मैं उनसे विवाद नहीं किया लेकिन नम्रता से प्रश्न करता रहा मन में, फिर करता रहा। अंत में ऐसा समझ में आया भूषण जी गुरुड़ जी आज मैं जो जिस स्थिति में आज मैं हूँ और जो ज्ञान मुझे प्राप्त है और जो भक्ति मुझे प्राप्त है शायद किसी को होगी। तो कहने का भाव ये है कि उसमें भक्ति बीज पड़ा कितनी कठिनता से कि 6 महीने तक ज्ञान सुनता रहा, नाम लेने की नहीं सोची, इतना इतना अंदर हमारे जो पाप कर्म घर कर चुके होते हैं जो जिनको जिन्होंने किसी जन्म में भक्ति ना की हो। और फिर भक्ति की शुरुआत हुई और परमात्मा ने उस आत्मा को अपनी शरण में लेने के लिए सारी क्रिया की। लोमस ऋषि से पहले ही उसको इतना डरवा दिया, यदि उस समय लोमस ऋषि कागभूषण को वो श्राप नहीं देता, वो डर उसके दिल में ना होता तो परमात्मा का ज्ञान तो पुण्यात्माओं वो कभी नहीं सुन सकता था। आज आप देखते हो जितने भी पुण्यात्मा यहाँ आए हैं
आपने पहली बार यो ज्ञान सुना होगा तो आपकी सुई कभी 100 पर कभी 0 पर, कभी ऊपर कभी नीचे हुई होगी। ये क्या बकरा है, कहाँ से ले आई ये ज्ञान? और फिर देखे आपने प्रमाण, अब दांतों तले उंगली दबा रहे हो आप। तो कहते हैं 100 चल सीधर मैं करूँ अपने जन के काज। तो आपके ऊपर जो रहम परमात्मा का है ये विशेष है, जो दास कहना चाह रहा था आपको ये यथार्थ ज्ञान समझाने के लिए ये प्रमाण उदाहरण दिया है। आप जी पुनकर्मी प्राणी हैं, पूर्व जन्म के मनुष्य थे, आपके दर भक्ति की आस्था विद्यमान थी, आपने शीघ्र ग्रहण कर लिया। और जो आपके घरों में अब संतान आएंगी वो भगवान के कोटे से आएंगी, बहुत अच्छी होंगी, उनकी तो आपने भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। और जो अन्य प्राणी हैं वर्तमान के अंदर हैं, वो जो ऐसे हैं जो पूर्व जन्म के भक्त मनुष्य थे वो शीघ्र आ जाएंगे, और जो कागभूषण जैसे होंगे उनका भी तरीका अपनाया परमात्मा ने। क्या होगा, एक घर में तीनों ने दीक्षा ले ली, एक नहीं लेता, ठीक है, तो वो कागभूषण की श्रेणी का है। अब उसके लिए मालिक ने क्या दया करी है, घर में आरती चल लेगी, कोई मंत्र कर रहा इधर बैठ के, कोई कर रहा इधर बैठ के, सत्संग चलेगा, ना चाहते हुए कभी देखा जरूरगा सुनेगा, हैं बैठ के वैसे बैठा लेंगे, बैठता जा तू नाम मत लिए तो सुनेगा, तो कभी ना कभी उसके भी कागभूषण की तरह इच्छा बनेगी, उसके पाप नरम आएंगे। क्योंकि भगवान की कुछ ऐसे संस्कार होते हैं, ऐसे पाप होते हैं जो ज्ञान यज्ञ से ही समाप्त होते हैं। अब कुछ ऐसे पाप होते हैं जो प्रणाम यज्ञ से समाप्त होते हैं, जैसे कपड़ा मैला हो गया, सिंपली कोई धूल मिट्टी लगी है झड़का दिया निर्मल हुआ, थोड़ी बहुत और मैल लग गया है तो वैसे पानी में से निकाल दिया तो भी ठीक हो गया, और भी ज़्यादा मैला है तो साबुन प्रयोग करना पड़ता है, और भी ज़्यादा कहीं कोई दाग लगा है तो ड्राई क्लीन करानी पड़ती है, तो वो तब निर्मल होता है। हमारे युगों युगों के अंतःकरण के अंदर बड़े धब्बे लगे हुए हैं, अंतःकरण में हमारे पाप जमा हैं, तो उन पापों के नाश के लिए ये सब प्रक्रिया आपकी यहाँ कराई जाती है। पांचों यज्ञ कराई जाती हैं आपसे, एक यज्ञ है धर्म की, कुछ ऐसे पाप होते हैं जो धर्म करने से ही अक्षीण हुआ करते हैं, एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, परमात्मा का चिंतन मीन ध्यान, उसकी कसक बने, उसकी एक न्यारी आपको याद बनी रहे, उसको ध्यान कहते हैं। और तीसरी यज्ञ है हवन की, यहाँ पर एक ज्योति यज्ञ किया जाता है, ज्योति हवन किया जाता है, कराया जाता है। तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम दंडवत प्रणाम कराया जाता है, जिसे अहंकार नाश होता है और कुछ पाप इस प्रणाम यज्ञ से ही नाश होते हैं। और पांचवी यज्ञ है ज्ञान की, इस ज्ञान के सुनने से, कथाओं के सुनने से भी आपके बहुत से पाप अक्षीण होते हैं। अब जिस व्यक्ति को आप प्रारंभ में चर्चा करते हो परमात्मा की, तो वो नहीं ग्रहण करता, उठ के चल पड़ता है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहावे, और कह उंग कह उठ चले ना और बात चलावे। जैसे किसी कर्महीन प्राणी से, संस्कारहीन प्राणी से आप भगवान की चर्चा करने लगते हो और वो आपका विशेष मित्र भी हो, विशेष नाती भी हो, अब जो ऐसा वैसा व्यक्ति होगा तो दो बात सुनते ही उठकर चला जाएगा, ठीक है मैं फिर आऊँगा, मुझे काम ज़रूरी है, क्योंकि उसको वो अच्छा नहीं लग रहा, उसको सुहा नहीं रहे। और कोई ऐसा मित्र होगा कि उठ नहीं सकता तो नींद आने लग जाएगी, लटके लेगा थोड़ी देर में, या फिर कोई विषय बदल देगा कि सुन मेरी बात सुन, ऐसा है वहाँ फलाना था, ऐसा फलाना था, वहाँ जाना है, वहाँ चलेगा। वो सुनना, वो सुन ही नहीं सकता क्योंकि उसको वो अच्छा नहीं लग रहा। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी पिछले पाप से हरिचर्चा ना भावे, भाव माने अच्छी नहीं लगे, जैसे कहते हैं मैंने मुझे रोटी नहीं भाती, मुझे नहीं अच्छी लगती।
तुलसी पिछले पाप से हरिचर्चा ना भावे, और जैसे जवर के वेग से भूख विदा हो जाए। अब जिस व्यक्ति को बुखार हो गया हो, जवर हो जाए, मलेरिया, तो उसको कोई भी पदार्थ है वो कड़वा लगता है, महसूस होता है, जैसे रोटी खाएगा एक टूक एक ग्रास नहीं खा सकता, वो कड़वा लगता है, थूकने को दिल करता है, ना काजू खा सकता ना किशमिश खा सकता, मनुखा दाग को भी कड़वी बताता है। अपने आत्माओं ना मनुखा दाग कड़वी है, ना वो भोजन कड़वा है, ना खीर कड़वी है। कड़वा क्या है कि उसके बुखार ने, जवर ने, टेम्परेचर ने उसके शरीर की व्यवस्था इतनी बिगाड़ दी कि उसको मीठी वस्तु भी कड़वी लग रही है। अब उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका विकल्प क्या है कि उस मलेरिया बुखार को नरम करना पड़ेगा। बुखार उतरे बिना वस्तु स्वादिष्ट लगे नहीं। अब रोटी कड़वी लग रही है, मनुखा दाख कड़वी लग रही है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? कड़वी गोली ही खानी पड़ेगी कुनीन की, और ना चाहते भी खानी पड़ेगी, और उनके खाने से फिर वो जवर ठीक होगा। जब जवर उतर जाएगा, और फिर देखना सूखी रोटी सब्जी छोड़ भूख लगेगी, जब घरवाले कहें सब्जी बना दो ना, रोटी दे फटाफट, सब्जी दे फिर देखूंगा। और पहले सब कुछ आगे रख देते थे तो भी खाने को दिल नहीं करता था। ठीक इसी प्रकार जो प्रथम बार जिसके ऊपर परमात्मा रजा बख्शते हैं किसी भी कारण से, किसी की माध्यम से सत्संग सुनाने को सुनाने की, तो वो ऐसा व्यक्ति जिसके पिछले पाप कर्म घने बड़े हुए हैं, तो उसकी आत्मा के अंदर उस जवर के कारण उस मीठी वस्तु परमात्मा की चर्चा ग्रहण करने का वो व्यवस्था नहीं है, वो खराब हो चुकी है। तो उसके लिए क्या तरीका है कि ना अच्छी लगे तो भी सत्संग में बैठा रहे और सुनता ही रहे, जैसे कैसे भी सुनता रहे, चाहे अच्छी लगो या ना लगो, तो उस परमात्मा के वचन में, परमात्मा की वाणी में इतनी शक्ति है कि वो ना सुने, चाहे वहाँ वैसे बैठा रहे, और चाहे वो सो भी जा, जहाँ आरती चल रही हो, बाल जैसे कोई लेट गया, नींद आ गई, चलो लेट जा, सत्संग चल रहा है तो बैठ गया, बैठा रहे, चाहे कुछ भी सोचता रहे, ना सुने, चाहे दूसरे कमरे में बैठ जाए लेकिन कानों में ये सुनती हो, तो वहाँ भी असर करेगी ये वाणी, उसके शरीर के पाप को अंतःकरण के वो पाप काट दिए जाएं, कट जाएंगे जो ज्ञान यज्ञ से कटने होते हैं। अब जैसे एक पहले क्या होता था, सभी उपचार आध्यात्मिक तरीके से होते थे, वो भक्ति तो उनके पास थी नहीं, साधु संतों के पास, जनता में खाना रोटी प्राप्त करने के लिए वो क्या करते थे, कोई जंतर मंत्र सिद्ध कर लेते थे, कोई तो सांप का सर्प का जहर उतारने का मंत्र सिद्ध कर लिया, किसी ने बिच्छू आदि का जो जहर विष उतारने का मंत्र सिद्ध कर लिया, किसी ने कोई जाड़ जूड़ जाड़न का मंत्र सिद्ध कर लिया। ये कोई मोक्ष मार्ग तो नहीं था उनके पास, पर ऐसे सिद्धि कर लेते थे। तो जैसे एक सर्प का विष उतारने वाला व्यक्ति एक मंत्र सिद्ध कर लेता है, और जिसको सर्प ने डस रखा है वो अचेत पड़ा है, बेहोश पड़ा है, और वो जो सर्प उतार का विष उतारने वाला व्यक्ति एक मंत्र बुदबुदाता है, बोलता है, वो अचेत व्यक्ति ना उसको सुन पा रहा है ना समझ पा रहा है, और तो अभी वो अपना काम कर रहा है, उसके विष को उतार देता है, वो व्यक्ति सचेत हो जाता है, उसका जीवन दान हो जाता है। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर की जो अमर वाणी है कबीर साहब और गरीबदास जी की, और उन महापुरुषों की जिनको भगवान मिले हैं, उनकी वाणी स्वसिद्ध होती है, उसको सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं होती, और उस वाणी का उच्चारण जहाँ भी हो रहा हो, वहाँ चींटी पर भी, पशु पक्षियों पर भी, पेड़ पौधों पर भी उनका असर हो रहा है। वो दूसरी बात है कि उनके वो धीरे धीरे असर होगा, पेड़ पौधों पर बहुत देर में होगा, पशु पक्षियों पर
उनसे शीघ्र होगा और मनुष्य पर पशु पक्षियों से भी शीघ्र होगा उसका। और उसके बाद फिर वो जो व्यक्ति टर्न वाइज मनुष्य जीवन प्राप्त है उनको भी परमात्मा इस विधि से अब अपने चरणों में लेंगे। तो जब धर्मदास जी को परमात्मा ने कहा कि भाई अभी ये मूल मंत्र और मूल ज्ञान ये सार नाम अपने परिवार को भी मत बताना, अब धर्मदास जी को चिंता बनी। धर्मदास जी ने कहा, चिंता बनी कि हे भगवान, मेरे को आपने 42 वंश का आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि धर्मदास जी एक अच्छी आत्मा थे लेकिन संसार के व्यवहार में वो घनाग्रस्त था। पहले उनको एक पुत्र था नारायण दास, और नारायण दास निकम्मा था, काल का दूत था, उसने परमात्मा के ज्ञान को ग्रहण नहीं किया, एक भी वचन सुना नहीं, उठकर चला जाता था। तो धर्मदास जी को ये चिंता बनी, परमात्मा ने बताया। धर्मदास जी ने कहा कि भगवान आप तो समर्थ हैं, मेरे पुत्र को शरण में ले लो, इकलौता पुत्र है, काल के हाथों चढ़ जाएगा, इसका जीवन नाश हो जाएगा। तो परमात्मा ने कहा धर्मदास ये खुद ही काल का दूत है, तेरे घर पर भेज दिया, क्योंकि काल को पता था आप एक अच्छी आत्मा हो और अच्छी आत्मा के घर पर एकादा यो ऐसा व्यक्ति कोई कारण बनाकर काल भेज ही देता है। तो परमात्मा ने लास्ट में अपनी दिव्य दृष्टि देकर धर्मदास जी को उसके पुत्र नारायण दास की वास्तविकता दिखा दी। विकराल चेहरा, लंबे लंबे दांत, ओछा माथा। तो परमात्मा ने कहा कि ये दूत आया हुआ है, काल का स्पेशल भेजा हुआ है तेरे को, तेरी भक्ति नाश करने के लिए। इस बात से धर्मदास चिंतित हो गया कि हे भगवान, ये तो सचमुच ये तो लड़के के कवर में मेरा दुश्मन बैठा है। फिर उसको चिंता हुई कि हे भगवान, 82 साल की उम्र होगी और अब क्या होगा, अरे ये तो काल का वंश चल गया मेरे से और पाप का भागी हो गया मैं। तो परमात्मा ने कहा कि ऐसे व्यक्ति का वंश नहीं चला करता। तो परमात्मा बोले जी, इसका नहीं चलेगा तो मेरा भी वंश नाश हो गया। हे भगवान, अब क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा वंश कैसे चलेगा। तो परमेश्वर ने कहा कि तू चिंता ना करे, तेरे को 42 पीढ़ी दे दी मैंने, तेरा 42 पीढ़ी तक वंश चलेगा। तब धर्मदास जी कहने लगे, इस काल का वंश चलेगा भगवान, इससे अच्छा तो ना चले। यो नो, परमात्मा बोले नहीं, मैं और तेरे को एक पुत्र दूंगा, उससे तेरे 42 पीढ़ी वंश चलेगा। ये अब इन्होंने गलत व्याख्या कर रखी है, कबीरपंथी जो दामा खेड़ा वालों ने एक भ्रमणा फैला रखी है कि जो दामा खेड़ा की गद्दी से नाम लेगा उसका ही मोक्ष होगा। कबीर साहब ने 42 पीढ़ी को आशीर्वाद दे रखा, 42 पीढ़ी को नाम देने का आशीर्वाद नहीं दे रखा, धर्मदास की चिंता मिटाने के लिए ये कहा था कि तेरे को 42 पीढ़ी का वंश दे दिया, तेरा वंश चलेगा और मोक्ष उसका होगा जो सद्भक्ति करेगा, पूरे संत मेरे अधिकारी संत से लेगा। तो फिर उसको 10 महीने के बाद एक चूड़ामणि उर्फ मुक्तामणि नाम का एक पुत्र उसकी पत्नी से जन्म हुआ, परमात्मा के आशीर्वाद से। उनसे फिर उनकी ये 42 वंश चले। फिर धर्मदास जी को चिंता हुई, परमात्मा ने कहा कि अपने वंशजों को भी ये मूल ज्ञान नहीं बताना, मूल मंत्र नहीं बताना, सार नाम नहीं देना। अब धर्मदास जी ने फिर कलेजा पकड़ लिया और बैठ गया चिंता करके। परमात्मा बोले, क्या बात होगी भक्त। कहने लगे, के बताऊं गुरुजी, के बताऊं भगवान, आपने तो ऐसी प्रतिज्ञा करा दी कि मेरे वंशजों को भी नाम नहीं देना, सार नाम नहीं देना, सार नाम बिन मुक्त नहीं हो सकते, सतनाम भी नहीं बताना आप कह रहे हो, आप कह रहे हो कि पहला मंत्र देना, इनका मुक्ति क्यों करोगी भगवान। लाला जी था वो सेठ,
धर्मदास जी बनिए के घर जन्म था उसका, वैश्य था। अब टोटे न फेंको गणासी घर समझा था वो, तो उसको चिंता बन गई है, भगवान वंश तो दे दिया आपने, इनका ये पार क्यों करोगे। तब परमात्मा ने कहा कि तू चिंता ना करे, जब कलयुग के अंदर आगे चल के धर्मदास एक भक्ति समय आवेगा और उस समय सभी पार होंगे और मैं फिर आऊँगा और तेरे वंशजों को जो मंत्र दे दिया और ये मेरी वाणी पढ़ते रहेंगे ज्ञान यज्ञ, इससे भी मानव शरीर प्राप्त हो जाते हैं लेकिन मोक्ष नहीं होगा। तो आप ये प्रथम मंत्र अपने वंशजों को, तेरे वंशजों को प्रथम मंत्र देंगे और ये वाणी मेरी वाणी का पाठ करते रहेंगे, इससे इनको मानव शरीर प्राप्त होते रहेंगे। तब धर्मदास जी ने कहा जी फिर मानव शरीर का क्या बनेगा, जब सारनाम नहीं मिला सतनाम नहीं मिला, तो वो ज्ञान से परिचित हो चुका था वो। तब परमात्मा ने कहा कि आगे चल के जब ये भक्ति युग शुरू होगा तब मैं फिर आऊँगा और फिर तो सारी सृष्टि को पार करूँगा, तेरे बच्चे भी पार होंगे, तेरे वंशज भी पार होंगे। अब क्या बता रहे परमात्मा के धर्मदास, एक बार मेरा और इस काल का, यहाँ के किस ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्म का एक संवाद हुआ था, इसने मुझसे प्रतिज्ञा करा ली थी कि तीन युगों में जीव थोड़े ले जाना और चौथे युग में आप कितने ही जीव मुक्त करा लेना। तो मैंने इसको तथा वस्तु कर दी थी, ठीक है जो तू कह रहा है वो मुझे स्वीकार है। तो फिर क्या बताया परमात्मा ने कहा कि फिर मैंने उससे कहा था कि जब चौथा युग, जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, जब चौथा युग कलयुग आवेगा उस कलयुग के जो बिचली पीढ़ी होगी, बिचली पीढ़ी का समय बताया है परमात्मा ने कि कब ये भक्ति स्टार्ट होगी, बिचली पीढ़ी कहाँ से स्टार्ट होगी, जब कलयुग बीतते 5500 पाचा तब ये वचन मेरा होगा साचा। तो कलयुग जो है, जो 5505 कलयुग कब बीता है, सन 1997 से, और 1997 में इस दास को परमेश्वर कबीर जी प्राप्त मिले थे, उन्होंने कहा था कि अब ये सारनाम और सतनाम बेटा सार्वजनिक कर देना, मैं तेरे साथ रहूँगा, पूरा विश्व हमारे साथ होगा, सबका कल्याण करेंगे। तो परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था कि काल से मेरी वार्ता हुई थी, तब मैंने काल से कहा था कि विनती तोर मान में लीनी, कि जो तूने विनती की है काल के तीन युगों में जीव ना ले जाना, चौथे युग में, तीन युगों में थोड़े जीव ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोय दीजे तब गमन संसार ही की जाए। तब परमात्मा ने कहा था विनती तोर लीन में मानी और मोकूं ठगे काल अभिमानी। फिर परमात्मा ने कहा कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, जब चौथा युग कलयुग आवेगा तब हम अपना अंश अपनी प्यारी आत्मा को भेजूंगा। अब उसको ये कहे कि मैं आऊँगा या ऐसे आऊँगा तो वो काल नहीं समझ पावा था, इसलिए परमात्मा कहते हैं सौ छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। तो क्या बताया था कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, काल फंद छूटे नरलोई, काल का फंद काल का बंधन छूटे नरलोई, सब नर नारियों का ये बंधन छूटेगा और सकल सृष्टि परवानिक होई, पूरा विश्व मंत्र लेगा, परवानिक माने दीक्षित होगा। काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानिक होई,
और घर घर देखिए बोध विचारा और सतनाम सब ठोर उचारा। पुण्यात्माओं, यहाँ पर आप देखोगे परमात्मा कबीर जी की महिमा और लीला, एक समर्थ के काम आप देखोगे। अभी तो आप बच्चे हो, फिर हिसाब लगाने लगोगे कि सचमुच ऐसा काम भगवान बिन हो सकता है। आपने गांव में, नगर में, शहर में आज तक कभी कोई पुस्तक बेचने वाला देखा था परमात्मा के बच्चों के अतिरिक्त? कोई प्याज बेच दे, कोई हरी मिर्च बेचता देखा होगा, कोई टिंडे बेचनिया भी मिल गया होगा, पुस्तक बेचनिया नहीं मिला। बेचना नहीं है ये, तो वैसे एक परमार्थ के रूप में सेवा कर रहे हैं, बेचते नहीं है। इस पुस्तक की कीमत नहीं बता सकते, लेकिन गांव-गांव में ये भेज रहे हैं। तो परमात्मा का आदेश है ये, और लेने वालों की कमी नहीं। परमात्मा के बच्चों को प्रेरणा भी परमात्मा ही करता है कि देखेंगे पढ़कर इसमें क्या लिखा है। एक बार पढ़ ली तो फिर उसमें तो सब कुछ लिखा है, फिर तो सतलोक आश्रम बरवाला जिला इशारा कर रुकेगी वह आत्मा, जो पुस्तक न पढ़ लेगी तो ज्ञान गंगा ने। तो परमात्मा क्या बोला था उस समय 600 वर्ष पहले? पुण्यात्माओं, उसका एक एक वचन 100 का 100 सत्य होगा, किसी डूम बाट के गीत नहीं, समर्थ का वचन है। जिसके एक वचन से सूर्य और पृथ्वी और सब ब्रह्मांड चल रहे हैं, पृथ्वी एक सेकंड का भी आगा पीछा नहीं करती, अरबों वर्ष हो गए इसने घूमती ने, कोई लुब्रिकेशन नहीं, कोई इसकी मेंटेनेंस नहीं, और कोई इसको घुमाने वाला नहीं। उस समर्थ के वचन से ये चल रहे सब ब्रह्मांड, रुके हैं उस ब्रह्मांड, उस समर्थ का ये वचन है कि घर घर देखो बोध विचारा, बोध माने ज्ञान, भक्ति मार्ग का घर घर में चर्चा चलेगी मेरे ज्ञान की, और सत नाम सब ठोर उचारा। ओए होए, घर घर देखो बोध विचारा, घर घर में परमात्मा की चर्चा चलेगी, बच्चा बच्चा उसके गुणगान करेगा, और सब जगह परमात्मा के सत नाम का, दो अक्षर के नाम का जाप हुआ करेगा। अब देखो पुण्यात्मा, अलवा बनावें हम, और मैं एक जाओ पड़ोसियाँ का भी, यानी उनको कितना अच्छा लगता है, उनको भी आनंद आता है उस हलवे की महक से, सुगंध से, जो गंध जाती है सुगंध। तो इसी प्रकार मंत्र करोगे जाप आप, और आनंद आओगे दूसरे साथ बैठे ने भी। अब वो लाभ तो नहीं ले सकता जो हलवा बनाने वाला, जो घर में हलवा बना रहा है वो हलवा खाकर आनंद ले रहा है, और पड़ोसी ने केवल महक प्राप्त होगी, और उस वो भी अच्छी है। एक तो घर में दारू काट है, शराब बनाओ तो पड़ोसी का भी नशा हो, भूडा लाग गया उसने छींक आवे, अरे घर में हलवा बने तो पड़ोसी तो अच्छी ही वो जाती है उसकी संदेश। तो इसी प्रकार जो सुमन करोगे वो तो हलवा तो आप खाओगे, लेकिन उसकी महक पड़ोसी को भी आभास होगा उसको। तो इस प्रकार इस परमात्मा का मंत्र घर घर में चलेगा। कोई बस में बैठे जाते हो, ट्रेन में बैठे हो, कोई सिमरन कर रहा श्वास का, कोई कर रहा प्रथम मंत्र मन मन में, तो पास में बैठे यात्रियों के भी उसका प्रभाव पड़ेगा, और एक ना एक दिन उनके पाप नाश होंगे वो, और आत्मा जागेगी। इस प्रकार से परमात्मा ने पूरे विश्व को, अपने बच्चों को शरण में लेना ही लेना है, चाहे आज कोई हिंदू है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे सिख है या ईसाई है, हम बगैर ज्ञान के बढ़ते चले गए। अब हमें पता चलेगा आज मृत्यु होगी, हम हिंदू हैं, कल मृत्यु हो जाए, हम अमेरिका में पैदा हो गए, ईसाई का झंडा उठा लिया है, और फिर मृत्यु हो गई, हम मुसलमान का, फिर मुसलमान का झंडा उठा लिया। हम हैं कौन, हम आए कहाँ से हैं, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? तो ये इस तत्व ज्ञान से पता चलेगा। फिर क्या बताया परमात्मा ने कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये मेरा वचन होगा साचा। 600 वर्ष पहले ये बात कहना कि घर घर में मेरे ज्ञान की चर्चा होगी और मेरा ही ज्ञान रहेगा, पूरा विश्व मेरी भक्ति करेगा धर्मदास, तो धर्मदास का गलेवा उतरे नहीं थी। तो परमात्मा ने कहा कि कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता,
और सभी जीव परम पुरुष पद चेता। ओए होए होए, आप पुणात्मा जो इस ज्ञान से परिचित हो चुके हो उनका तो यह बात बिल्कुल समझ में आएगी 100% तुरंत। आप क्या देख रहे हो, आज से पहले आपने ज्ञान गंगा सुनने से पहले परम पुरुष का ज्ञान नहीं था, आपने केवल अपने ही देवी देवताओं का ज्ञान था और स्वर्ग लोक तक हम उत्तम स्थान मान्या करते। एक ये राधा स्वामी पंथ है जो गुरु नानक देव जी के और कबीर जी की वाणी को पढ़ पढ़ा कर कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जचा गए, ये सतलोक सचखंड और सतनाम ये बताने लगे थे, न कख नहीं पता कैख है भी नहीं पता भक्ति मार्ग। ये क्या बताते हैं, सतलोक में परमात्मा निराकार है, चेतन ही चेतन है, प्रकाश ही प्रकाश है। और फिर सतलोक कैसा है, सतनाम क्या है, सारनाम क्या है, सार शब्द क्या है, सतलोक क्या है, सतपुरुष क्या है, इनके परम धनी के वचन है शिवदयाल जी के, जिससे युराधा स्वामी दंदन सतगुरु सच्चा सौदा दिनो दाला जय गुरुदेव या निरंकारी परंकारी जितने पंथ हैं ये उसी से निकले हैं, उसी के आधार से। वो क्या बताता है कि वही सतनाम है, सतनाम वही सतपुरुष है, सतनाम ही और सतनाम ही सतलोक है, सतनाम ही सार शब्द है, सतनाम ही सतपुरुष है, सतनाम ही सार नाम है, कख है इनको पता। तो अब कहते हैं परमात्मा ने कहा है कि कलयुग बीत जावे जब एता और सभी जीव परम पुरुष पद चेता। ओए है परम पुरुष, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन पुरुष हैं, एक सर्वपुरुष यह ब्रह्म है 21 ब्रह्मांड का स्वामी और एक अक्षर पुरुष जो सात संग ब्रह्मांड का मालिक है, ये दोनों परम पुरुष नहीं है। इसलिए गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते है, ये लोक धर्म अविश्य विवर्ती अवैश्वर है, कि वो परम पुरुष तो कोई और है उत्तम पुरुष, परम माने श्रेष्ठ, परम पुरुष उत्तम पुरुष श्रेष्ठ पुरुष, पुरुष माने परमात्मा, वो तो कोई इन दोनों से भी अन्य है सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष से, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, एक ईश एक ईश्वर एक परमेश्वर, ईश ये सर्वपुरुष है और ईश्वर ये अक्षर पुरुष है, परमेश्वर वो परम अक्षर पुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म है, तो उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन शाश्वतम स्थानम, सदा रहने वाले अविनाशी स्थान को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान रूपी अंधकार को काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर संसार में कभी नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है केवल उसकी भक्ति करो और सब भक्ति त्याग दो, परमेश्वर के उस परम पद को खोजना चाहिए। तो यहाँ परमात्मा वही बात कह रहे हैं कि कलयुग बीत जावे जब एता और सब जीव परम पुरुष पद चेता, उस परम पुरुष के उस परम पद की के सभी परिचित हो जाएंगे, उसके सभी ज्ञाता हो जाएंगे कि कोई सतलोक है जहाँ परमात्मा रहता है, वहाँ जाने से हमारे को सब सुख मिलेंगे, जन्म और मृत्यु का ये झंझट मिटेगा। अब यहाँ तो हम असंग जन्म हो गए भटकत्याने, मृत्यु और जन्मत्याने, सारा जीवन संपत्ति जोड़ने में लगे रहते हैं, एक मिनट में मृत्यु हो जाती है, वो जोड़ा जाड़ा यहीं रह जाता, आप गदा बनकर कुमार के घर खड़ा होता है, ये कोई सांग है कोई जीवन है, क्या लक्ष्य लेकर जी रहे थे हम। तो यहाँ पता चलेगा कि सब जीव परम पुरुष पद चेता उसके परिचित होंगे, उसके ज्ञाता होंगे कि सचमुच वहाँ जाने से पीछा छूटेगा। जैसे आपकी मृत्यु हुई फिर जन्म हुआ परिवार बन गया, कैसा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, अरे एक मिनट का भरोसा नहीं, क्या बिजली गिर जाए पूरा परिवार नाश हो जाए किन कारणों से। तो परमात्मा ने कहा कि यहाँ से तो आपने जाना ही पड़ेगा, जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसी भक्ति करो ये भक्ति, और यहाँ से पुनर्जन्म की इच्छा मिटाओ, जहाँ आशा ता बासा हुई मन कर्म वचन सुमरियो सोई, अब भक्ति करो जब तक यहाँ हो अपना यहाँ की, क्योंकि हम
यहाँ रह रहे हैं तो हमारा ये कर्तव्य कर्म यहाँ भी करने पड़ेंगे, लेकिन अब जो काम आप जिस उद्देश्य से करते थे, माया संचन करने के लिए कोठी गार्डन खातर, या थोड़ी सी स्पीड कम कर दो। और किस लिए कर रहे हो? बच्चों का ब्याह करना पड़ेगा, लड़की होगी दो, कैसे ब्याह होंगे, दहेज देना पड़ेगा? नहीं, कुछ ही दिनों में ये सभी समाप्त करेंगे। कोई दहेज ना लेगा ना देगा, लेगा ही नहीं कोई, उसको पता चलेगा क्यों ऋणी बना मैं? आज मैं पैसा ले रहा हूँ, कल मैं इसका गधा बनकर पूरा करूँगा, बैल बनकर करना पड़ेगा, कोई भैंस गाय बनकर इसके घर बंधना पड़ेगा, क्यों सिर में दर्द कराया? आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मदन कुसाना है और मैं गुजर संप्रदाय से हूँ। कहाँ से हैं आप? गाँव पंजोखरा, जिला शामली, उत्तर प्रदेश। क्या काम करते हैं सर आप? सर मैं पहले शिक्षक का कार्य करता था, अब जो है फिलहाल मैं कृषि का कार्य कर रहा हूँ। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब लिया? सर 5 मई 2014 में मैंने नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति साधना करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं जो घर पे देवी देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, दुर्गा की आदि देवताओं की भक्ति होती थी, मैं भी वही करता था। तो जो भक्ति आपने ब्रह्मा विष्णु शिव जी की, उससे आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? सर लाभ तो कोई खास नहीं हो पाए, बल्कि बदले में मेरे घुटनों में एक बीमारी और आ गई। वो बीमारी ये थी कि घुटने सूज कर बहुत मोटे मोटे हो गए और कटकट की आवाज़ होने लगी। इनको दिखलाया तो बताया गया कि ग्रीस ख़त्म होगी और इसमें जो है इसका इलाज कराना पड़ेगा। तो लाभ तो कोई विशेष नहीं हो पाया, बल्कि दुख ही मिले। जैसे कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी की भक्ति करने से आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हुए, बल्कि आपको नुकसान और दुख आने लगे, तो संत रामपाल जी की शरण में आने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर लाभ तो बहुत अधिक हुए, लेकिन उनमें से कुछ लाभ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक मेरा साला है जो जिला सहारनपुर में नकुड़ के पास नया गांव पड़ता है, नरेश है उसका नाम, उसको हेपेटाइटिस सी हो गई थी। और मैंने एक पुस्तक, मेरा लड़का फैजाबाद पढ़ता था, उसके द्वारा मिली, कोई भक्त उसको दे गए रेल में, ट्रेन से वो आ रहा था, तो उसको मैंने पढ़ा। पढ़ने के बाद में उसमें जो अनुभव भक्तों के थे मैंने वे देखे, और इसके बाद फिर साधना चैनल पे मैंने सत्संग देखा, तो मैंने उसको बुलाया कि आजा तेरी बीमारी एक जगह ठीक हो जाएगी और तू मेरे साथ चल। तो उसने कहा कहाँ? मैं कहा एक संत आए हुए हैं जो परमात्मा स्वरूप हैं और उनके पास चलते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के पास जाने के लिए मैंने उसे बुला लिया और फिर मैं उसको ले करके, किताब पर एक नक्शा था उसके आधार पर बरवाला पहुंचा, और वहां से मुझे संत रामपाल जी महाराज की गाड़ी मिली, उसमें बैठकर मैं आश्रम में गया। और आश्रम में जाने के बाद सर देखा कि वास्तव में सतलोक नाम क्या, वो सतलोक ही है। ऐसे भक्तों का ऐसा व्यवहार देखकर मैं दंग रह गया। इतने अच्छे तरीके से बोल रहे थे भगत और ऐसा लग रहा था जैसे वास्तव में सतलोक में आ गए हों। तो वहाँ भंडारा लिया, भंडारा के बाद उन्होंने हमें ज्ञान समझाया, कुछ तो हमने पहले ही समझ लिया था पुस्तकों से और सत्संग के माध्यम से, फिर उन्होंने भी बताया। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जैसे ही आशीर्वाद के लिए गए हम, तो सर जैसे ही आशीर्वाद मिला तो हमें एक अपने शरीर में ऐसा अनुभव हुआ जैसे हम हल्के हो गए हैं कुछ। तो इसके बाद हम चार बार गए और चार बार जाने के बाद प्रत्येक बार
संत रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद दिया और रिजल्ट ये हुआ, संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से जो बीमारी हेपेटाइटिस सी थी उसके अंदर, नाम दीक्षा लेने के बाद जब चेक कराया तो वो नील मिली। भगत जी ये लाभ हुआ और बहुत सारे लाभ हुए। एक बार मैं अपनी ससुराल अपनी पत्नी के साथ गया हुआ था, तो घर पे कोई नहीं था, पशु बंधे हुए थे, तो मैं वहाँ से चला। टाइम लगभग 2-2.5 बज गए थे। मैंने सोचा शाम से पहले घर जाना है और पशुओं को चारा भी डालना है, तो मैं बाइक से जा रहा था अपने घर। तो उसमें मैंने सोचा बहुत जल्दी से निकलना पड़ेगा तब जाया जाएगा, तो मैंने उसकी जितनी भी स्पीड गाड़ी में थी वो स्पीड मैंने फुल दे दी और गाड़ी 80 की स्पीड से भाग रही थी। अचानक जल्लाबाद फाटक से परली तरफ एक अवरुद्ध मार्ग था, थोड़ी पुलिया टूटी हुई थी, वहाँ अचानक एक वृद्ध आदमी मेरे सामने आया जबकि बाइक बहुत नज़दीक आ चुकी थी। उसमें जैसे ही मैंने ब्रेक लगाया तो बाइक फिसल गई और फिसलने के बाद घिसटते हुए हम नीचे जाकर गांव में पड़े। संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि हम ठीक ठाक उठ करके अपने गांव में चले गए। चोट तो लगी लेकिन बहुत हल्की, नाम मात्र की। वहाँ पे जो लोग आए हुए थे उन्होंने बताया कि यहाँ कल ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि 2 लड़कों की मौत हो गई थी, हमारी मृत्यु होनी थी, संत रामपाल जी महाराज ने ही हमको जीवन दान दिया, उससे ही हम बच पाए। और बहुत सारे और भी चमत्कार हैं। 2015 की बात है, नाम जब संत रामपाल जी महाराज से नाम ले चुके थे तो एक रिश्ता लड़के का आया एक जगह से, मैं जो रिश्ता लेकर आए वे लोग संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़े हुए थे, वे भक्त नहीं थे, तो उनके यहाँ से जो रिश्ता आया तो उसके बाद में एक तारीख निश्चित की गई कि भाई उस तारीख को ये जो चिट्ठी आएगी उसी दौरान हमारा छोटा जो भाई है उसकी पत्नी बीमार हो गई और वो इतनी बीमार हो गई कि उसके पहले भी 1-2 बार अटैक आ चुका था, तो वो उसको वहाँ उसका इलाज भी चला हुआ था मेरठ में, तो उसको वहाँ लेकर गए। और सर ऐसा हुआ कि उसको वहाँ ले जाने के बाद अचानक उसकी तबीयत इतनी ख़राब हुई कि उसकी मृत्यु हो गई। उसका समाचार उन्होंने दिया कि इसमें कुछ नहीं है और उसको मेट्रो हॉस्पिटल में ले कर गए। जैसे वे मेट्रो हॉस्पिटल में ले कर गए तो उन्होंने फ़ोन किया कि इस प्रकार से भाई ये तो ख़त्म होगी और बस अब तैयारी है, लेकिन हमें यहाँ फीस जमा कर दी, ये नु कह रहे हम कुछ थोड़ी ट्राई कर लें लेकिन इसमें कुछ नहीं है। तो मैंने परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के सामने अरदास लगाई कि परमात्मा ये अगर एक्सपायर हो गई तो ये रिश्ता अब इस डेट में नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही अरदास लगाई तो वहाँ से फ़ोन आया कि 1% इसमें जीवन नज़र आ रहा है और आते आते 15-20 मिनट के अंदर उसमें इतना सुधार आया कि डॉक्टर लोग कहने लगे कि बड़ा आश्चर्य है। सर ऐसा हुआ कि 1/2 घंटे के अंदर वो पूर्णतः ठीक हो गई और वो रिश्ता उसी समय निर्धारित समय पर हुआ। और एक चमत्कार सर अभी नया ही मैं आपको बताऊं, मेरा लड़का अंकित नाम है उसका, वो हिसार में ही सर्विस करता है, प्राइवेट जॉब है उसकी किसी कंपनी में, तो उसका भी ट्रांसफ़र आ गया था, तो ट्रांसफ़र आ गया उसको अभी तो वहाँ पर सेलेक्ट हुआ था। इसके बाद ट्रांसफ़र के आदेश आए तो सर उसने इतना दुख हुआ कि उसने खाना तक नहीं खाया। हमें उसको बहुत समझाया भाई कोई बात नहीं, नौकरी करनी है तो जहाँ भी भेजेंगे चले जाओ। तो उसने परमात्मा से अरदास लगाई और अरदास लगाने के बाद सर आप यकीन नहीं करोगे, अगले ही दिन जिन्होंने आदेश इतनी सख्ताई से दिए थे
फोन पर तुरंत आ जाओ। मैं मैनेजर ये कह रहे हैं कि भाई अभी हम तुमको नहीं बुला रहे, 6 महीने के लिए और रहो वहीं। और वो बड़ी खुशी से वहाँ रह रहे हैं। ये सब चमत्कार परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के हैं, और बहुत सारे चमत्कार होते रहते हैं। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपके साथ बहुत सारे चमत्कार हुए और हम अन्य संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्हें नशे जैसी बीमारी से छुटकारा मिला। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले क्या आप भी कोई नशा करते थे? जब मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करता था तो मुझे भी नशे की लत लगी हुई थी। मैं बीड़ी सिगरेट पीता था। जैसे ही मैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया तो वो लत भी समाप्त हो गई और मैंने उसके बाद कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पी। जैसे कि आज की युवा पीढ़ी नशे की हालत में डूबती जा रही है, तो क्या संत रामपाल जी इस युवा पीढ़ी को नशे की आदत से छुटकारा दिला सकते हैं? सर बिल्कुल छुटकारा दिला सकते हैं। मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि मैं उस दिन से कोई नशा नहीं करता और अपने आप ही नशा समाप्त हो गया, तो ऐसे ही और लोगों का भी नशा समाप्त हो जाएगा। लगभग 90 लाख आदमी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं और उनमें से कोई भी व्यक्ति नशा नहीं करता, नशा मुक्त है। तो इसलिए मैं गारंटी के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि जो भी परमात्मा की शरण में आएगा संत रामपाल जी महाराज की, वो नशा मुक्त हो जाएगा, उसका नशा स्वतः ही छूट जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के वचनों में इतनी शक्ति है कि नशा अपने आप ही सफा हो जाता है, नशा छूट जाएगा। आज के समय में बहुत सी सामाजिक कुरीतियाँ फैली हुई है, इन कुरीतियों को मिटाने में संत रामपाल जी क्या योगदान दे रहे हैं या दे सकते हैं? सर जितने भी भक्त हैं 90 लाख के करीब, वे उनकी जो शादी होती है न तो वे दहेज लेते और न दहेज देते और नशा बिल्कुल भी नशे के पास नहीं जाते। तो इसी तरह यदि ये समाज संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए तो मैं भी इसी प्रकार दहेज की इस कुप्रथा से और जो अन्य बीमारियां जो चली हुई हैं नशे वगैरह, उनसे छुटकारा पा सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वे रिश्वत भी नहीं लेते, तो इस तरह की बहुत सारी कुरीतियां से छुटकारा मिल रहा है। और जो भी भक्त आना चाहें आएंगे संत रामपाल जी महाराज के शरण में, उनका भी इन सब से छुटकारा हो जाएगा। जो संत रामपाल जी की शरण में आना चाहते हैं, जैसा कि आज संत रामपाल जी जेल में हैं, तो अन्य समुदाय संत रामपाल जी की शरण में कैसे आ सकता है? सर संत रामपाल जी महाराज ने विदेशों में और पूरे भारत के अंदर अनेकों स्थान पर प्रत्येक जिले के अंदर नामदान केंद्र खोल दिए हैं और एक साधना चैनल पर परमात्मा रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उसमें नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उस पे नंबर दिए हुए हैं, उन नंबरों से संपर्क करके और अपने नज़दीक के नामदान केंद्र पर नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब।